Good evening, guys. Let's continue with p-block element. Now, in our last lecture, we had finished with oxides, and today we are going to start with third topic of some important compound. Of group 16. So third important compound which we are going to learn is ozone. ठीक है. Now guys, in case of ozone, how it is prepared? ठीक है. So its preparation. Now preparation of ozone is quite easy. ठीक है. So how do we prepare it? So देखो reactions लिख दो. Now CO2 combines to form 2O3. देखो रिएक्शन इज वेरी सिंपल. तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं एंड कंबाइन होके वो बनाते हैं हम लोगों को O3, ओजोन बना के दे देते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज डन बाय यूजिंग अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. दिस इज डन बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ठीक है. तो हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं एंड तब जाके ये होता है. तो दिस इज अ लैब मेथड. ऑब्वियसली लैब में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करके ये बनाएंगे. तो दिस इज अ लैब मेथड. ठीक है. नाउ गाइस, सेम रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन नेचर. मुझे बताओ नेचर में ओजोन कहाँ पे मिलता है? नेचर में ओजोन कहाँ पे रहता है? सेकेंड इज नेचर. तो एटमॉस्फेयर में. ठीक है. एटमॉस्फेयर मतलब नीचे की तरफ नहीं, अबव 20 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल. बराबर. तो बहुत ऊपर की हाइट पे हम लोगों को ओजोन मिलता है. ठीक है. ओजोन लेयर है विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेज. बराबर. यूवी रेज वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो गाइस होता क्या है, देखो ये ऑक्सीजन है. ठीक है. दिस ऑक्सीजन इंटरैक्ट्स विद यूवी रेज. अब यहाँ पे नेचर में ये यूवी रेज के साथ या फिर सनरेज के साथ इंटरैक्ट करता है एंड लैब में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है एंड दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन अप. तो एक ऑक्सीजन दो नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं. ठीक है. देन दीज टू नेसेंट ऑक्सीजन्स रिएक्ट्स विद टू ऑक्सीजन एटम्स टुगेदर. इनमें एक एक ऑक्सीजन आइटम ऐड हो गया एंड व्हाट आई विल गेट टू O3. कुछ समझ में आ रहा है? नाउ गाइस, ओवरऑल रिएक्शन ओवर हियर, ओवरऑल रिएक्शन ओवर हियर इज 2O, 2O will get cancelled out. 1 plus 2 will get 3O2. 3O2 will combine to form 2O3. ठीक है गाइस, राइट इट डाउन फास्ट. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन विच अकर्स इन नेचर. राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट कर दो इसे. तो गाइस प्रिपरेशन की यही दो मेथड्स हैं, लिख दो. प्रिपरेशन के लिए यही दो मेथड्स हैं जो हम लोगों को याद रखनी है, नथिंग एल्स. कंप्लीट दिस फास्ट. लिख के हो जाए तो बता देना. ओके. तो गाइस अब ऑब्वियसली प्रिपरेशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं? प्रिपरेशन के बाद हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो जाए प्रॉपर्टीज की तरफ जरा. शुड वी स्टार्ट? ओके. नाउ गाइस नेक्स्ट इज देयर प्रॉपर्टीज. तो ओजोन की प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करो. व्हाट इज हैपनिंग? हाँ ओके, कैमरा ऑन नहीं हो रहा था एक्चुअली. तो
लेट्स स्टार्ट विद देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ठीक है। नंबर वन, इट इज अ पेल ब्लू, इट इज अ पेल ब्लू गैस, ठीक है। डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लू सॉलिड ठीक है। तो गाइज इसका सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, कलर ये जेई में पूछा हुआ है, ये जितने जहां तक मुझे याद है जेई 2017 या 13 दोनों में से एक का क्वेश्चन है। तो अगेन ये सब देखने के लिए तुम लोगों को एनसीईआरटी रीड करनी है, इनके कलर्स एंड ऑल तुम लोगों को हाईलाइट करके रखना है, दैट्स इट, ठीक है। जहां जहां पे मुझे याद है या फिर जहां जहां पे मुझे पता है कि ये इम्पोर्टेंट है मैं लिख के दे रहा हूँ, बट ऐसा कोई ना कोई कंपाउंड तो रह ही जा सकता है जिसका कलर मैं मेंशन करना भूल जाऊँ, ठीक है। PCl5 PCl3 दोनों का कलर मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था, येलो कलर रहता है। PCl3 इज येलो लिक्विड, PCl5 इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। NO2 गैस ब्राउन कलर की रहती है, NO गैस पेल ब्लू कलर की, N2O4 गैस पेल ब्लू कलर की रहती है। तो मेजर जगहों पे ऑक्सीजन कलरलेस है बट लिक्विड स्टेट में पेल ब्लू हो जाता है। तो मेजर कंपाउंड्स के कलर हम लोगों ने लिखे हैं, बट स्टिल किधर ना किधर कुछ ना कुछ रह जाएगा। KNO4 पर्पल कलर, K2SR2O7 ऑरेंज कलर, ठीक है। K2MnO4 ग्रीन कलर, K2CrO4 येलो कलर। तो बहुत सारे कलर हम लोगों ने पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम तुम लोगों को CuS सॉरी CU3P CU3P2 या फिर कैल्शियम फॉस्फाइड, सिल्वर फॉस्फाइड, मर्क्यूरियस फॉस्फाइड, सबके कलर लिख के दिए थे, ठीक है। तो जितना याद हो रहा है उतना मैं लिख के दे रहा हूँ, बट समथिंग माइट गेट स्लिप फ्रॉम माई माइंड, तो उसके लिए तुम लोगों को एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ओजोन का स्ट्रक्चर देखो, ओजोन इज मेड व्हेन ऑक्सीजन गैस इंटरैक्ट विथ अ नेसेंट ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ नेसेंट ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑब्वियसली करेक्ट बोल रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नाउ गाइस, फ्रॉम दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स वी रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट हैपेंस, दिस ऑक्सीजन शेयर्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट नेसेंट ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पता है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की सेंट्रल एटम ने, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज जाएगा पॉजिटिव, बाजू वाले ने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। नाउ गाइस, दिस कंपाउंड अंडरगोज रेजोनेंस। अब मुझे बताओ रेजोनेंस जब होगा तो रेजोनेंस शुरू कहाँ से होता है, तो रेजोनेंस शुरू होता है नेगेटिव चार्ज से। तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीच में शेयर करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे उसके बाजू वाले ऑक्सीजन के ऊपर चली जाएगी, एंड व्हाट आई विल गेट, ओ सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओवर हियर, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ऐसी लोन पेयर्स रहती है। इसके ऊपर अभी रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर अभी रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो गाइस देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड इट्स हाइब्रिड इज समथिंग लाइक दिस, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एंड जो डबल बॉन्ड है गाइस वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज कर रहे हैं। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, सेंट्रल मेटल सॉरी सेंट्रल ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड रेस्ट 2 ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, बट नाउ इट विल बिकम डेल्टा माइनस, मतलब हाफ नेगेटिव इस तरफ हाफ नेगेटिव उस तरफ। तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट। नाउ गाइस, व्हाट इज इट्स बॉन्ड ऑर्डर, मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स विद विच द बॉन्ड्स आर फॉर्म, बराबर टोटल बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स विद बॉन्ड्स आर फॉर्म, विद बॉन्ड्स आर फॉर्म, ये याद है। इसके चाहिए तो हम लोग और एक दो एग्जांपल कर लेंगे आज। वेरी नाइस सानिका महेश, दोनों का आंसर करेक्ट है। तो गाइस टोटल बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल बॉन्ड है 1 एंड 2, तो टोटल बॉन्ड्स आर 3। एंड कितने ऑक्सीजन के साथ ये 3 बॉन्ड बनाया बना रहे हैं सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम ये बॉन्ड 3 बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 1.5,
डाउट गाइस, देखो ये तुम लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था, फॉर एग्जाम्पल सल्फेट, ठीक है, सल्फेट के स्ट्रक्चर एंड ऑल चाहिए तो मैं तुम लोगों को बाद में रिवाइज करा के दे दूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड के एसिड्स के टाइम पे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में, बट सल्फेट का स्ट्रक्चर रहता है एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ माइनस, ठीक है, इसके लिए भी हम लोगों का रूल था एस ओ फोर टू माइनस अगर होगा, एस ओ फोर टू माइनस, ये तुम लोगों को जस्ट एक रिविजन दे रहा हूँ मैं, तो जितने नेगेटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज के सिंगल बॉन्ड ओ माइनस बनाने के, जितने ऑक्सीजन बच गए उतने डबल बॉन्डेड ओ बनाने के, यार ये कुछ। नाउ गाइज व्हाट इज इट्स बॉन्ड ऑर्डर, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी बताओ, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो टोटल सिक्स बॉन्ड्स आर देयर, समझ में आ रहा है, टू टू वन वन, विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन दोज बॉन्ड्स आर फॉर्म, करेक्ट बोल रहे हो दिया महेश, तो विथ फोर ऑक्सीजन दोज बॉन्ड्स आर फॉर्म, सानी का करेक्ट आंसर है, सुश्री करेक्ट आंसर है, तो फाइनल बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। चलो अब तुम लोग इस कंपाउंड की बॉन्ड ऑर्डर बता दो मुझे, मान लो सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ माइनस, दिस इज कार्बोनेट, पता है ना CO3 माइनस, ये कार्बोनेट है, ठीक है, तो CO3 माइनस, अगेन CO3 माइनस, सॉरी, तो सनी का करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है, अमन करेक्ट आंसर है, महेश करेक्ट आंसर है, सो गाइस बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर, बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर, ठीक है, इज आलोक करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है, सो गाइस टोटल फोर बॉन्ड्स आर देयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, टू वन वन, एंड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन इट इज शेयर्ड, विथ थ्री ऑक्सीजन इट इज शेयर्ड, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम 1.33, आर यू गेटिंग इट, ठीक है, ओके। नाउ गाइस ओजोन का स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ओजोन की बॉन्ड ऑर्डर तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, प्रॉपर्टीज इतनी सब, हाँ, एंड पॉइंट नंबर थ्री, इट इज अ पैरामैग्नेटिक गैस, गाइस देखो एक सिंपल ट्रिक तुम लोगों को मैंने बताई थी, जो गैसेस के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमेशा पैरामैग्नेटिक रहते हैं और वो हमेशा कलर्ड रहते हैं, तो जितने भी कलर्ड गैसेस हैं, बहुत कम कलर्ड गैसेस है विच आर डायमैग्नेटिक, ना के बराबर पकड़ लो, ठीक है, तो जितने भी कलर्ड गैसेस है वो सारी की सारी क्या रहेंगे, दे आर पैरामैग्नेटिक, उसका रीजन हम लोग देखेंगे CFT में, क्रिस्टल फील्ड थियरी में, तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा वो, डोंट वरी, तो जैसे कलर्स क्यों आते हैं, ठीक है, तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक रहता है नेचर में, ठीक है, याद रखना, ओके। नाउ गाइज नेक्स्ट, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम लोगों को रीजन एंड असर्शन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ओजोन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो असर्शन इज ट्रू एंड इट्स रीजन इज इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन, तो असर्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ओजोन जो है इट गिव्स अस O2 प्लस अ नेसेंट ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ओजोन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीडाइजिंग नेसेंट ऑक्सीजन, तो बोथ रीजन एंड असर्शन इज ट्रू एंड असर्शन, सॉरी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ रहा है कुछ। नाउ इट्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं हम लोग इनके, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज PbS प्लस O3, व्हाट इज हैपनिंग यार, गिविंग अस PbSO4 प्लस, दूसरा क्या बनेगा O2, देखो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऐड होगा एंड बाकी O2 बाहर रिलीज होगा, आर यू गेटिंग इट, देखो इसमें ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बैलेंसिंग में तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, कर लोगे ना बैलेंसिंग, ठीक है। नाउ गाइस आई माइनस व्हेन रिएक्टेड विद O3 इन प्रेजेंस ऑफ H+, H+ मीन्स विच मीडियम गाइस, H+ मीन्स एसिडिक मीडियम, नाउ गाइस दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, आई माइनस का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, माइनस से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे जाएगी, ये तुम लोगों को प्रेडिक्ट करने आना चाहिए कि आयोडीन की माइनस से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे जाएगी, हाँ तुम लोगों को लिखने के लिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, अभी के लिए आयोडीन की माइनस से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे जाएगी, जीरो में जाएगी, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, तो गाइस आयोडीन गिव्स अस I2 एंड ओजोन विल गिव अस O2,
ठीक है। नाउ दिस इज, देखो आयोडीन माइनस से जीरो में पहुंच गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन एसिडिक मीडियम, ऑब्जर्व्ड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब उसी बदले आई माइनस प्लस ओ थ्री, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी कभी कभी ना कभी लिख के दिया ही होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ओ एच माइनस, अब क्या बनता है बताओ। आई माइनस आफ्टर ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में आई माइनस क्या बनाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने कभी ना कभी तो तुम लोगों को पहले पढ़ाया होगा। तो बेसिक मीडियम में आई माइनस क्या बनाता है, या फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है? तो गाइस बेसिक मीडियम में इट फॉर्म्स आई ओ थ्री माइनस, कभी लिख के दिया ये मैंने, मुझे याद नहीं आ रहे, तो इट फॉर्म्स आई ओ थ्री माइनस, हाँ करेक्ट बोल रहे हो सने का, तो इट फॉर्म्स आई ओ थ्री माइनस एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है माइनस प्लस फाइव, ठीक है। तो आई ओ थ्री माइनस प्लस ओ टू, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन बेसिक मीडियम। गाइस अभी मैं तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं पढ़ाते बैठूंगा, हम लोगों ने रिएक्शन बैलेंसिंग पहले ही पढ़ ली है, तो आई थिंक दैट इज इनफ, मतलब बहुत हो गया ना रिएक्शन बैलेंसिंग। नाउ डायरेक्टली वी विल ऐड दिस रिएक्शंस, मतलब इससे क्या बनता है एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में, उतना सफिशियंट हो जाता है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके अब गाइज ये जेई नीड बोथ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद वाले जो रिएक्शन तुम लोगों को लिखा के दे रहा हूँ वो सिर्फ जेई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जेई वाले ये लिख के रहे चाहिए तो, ठीक है। तो ओजोन प्लस आई टू, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज ड्राई आयोडीन, ठीक है, तो इट फॉर्म्स आई फोर ओ नाइन प्लस ओ थ्री, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो ओ नाइन आए वो ओजोन से आए, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन ऐड हो गए, एंड अरे यार ओ थ्री नहीं सॉरी प्लस ओ टू, ओजोन हमेशा रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ओ टू बनाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो नाइन ऑक्सीजन आए वो सिर्फ ओजोन के आए, एंड नाइन ओ टू बाहर रिलीज हो गए, यहाँ पे टू आई टू तो आई फोर ओ नाइन मिला। अब गाइज आई फोर ओ नाइन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई फोर ओ नाइन इज आई प्लस थ्री आई ओ थ्री माइनस थ्री टाइम्स। गाइज कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला एक आयोडीन प्लस थ्री में है, बाकी आयोडीन आई ओ थ्री माइनस बना रहे हैं, तो तीन आई ओ थ्री माइनस मतलब माइनस थ्री चार्ज विच इज अटैच टू आई थ्री प्लस, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ आई थ्री प्लस, या फिर व्हाट इज द शेप ऑफ, शेप या फिर ज्योमेट्री दोनों में से एक चीज कुछ तो बताओ मुझे, आई ओ थ्री माइनस का, या फिर इट्स हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आई ओ थ्री माइनस, ये नीट वाले भी सॉल्व कर सकते हैं बताओ। तो गाइज इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आई ओ थ्री माइनस ये नीट वालों को भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को भी लिख के लेना है इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यश करेक्ट आंसर है, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे आयोडीन के पास, सात के बाद एक आठवां इलेक्ट्रॉन आ गया, समीक्षा करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है। तो गए सात इलेक्ट्रॉन के बाद एक आठवां इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, महेश करेक्ट आंसर है। उसके बाद ऑक्सीजन हमेशा बनाता है डबल बॉन्ड, तो एक दो तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड एंड यहाँ पे आ गई एक लोन पेयर, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तीन बॉन्ड एंड लोन पेयर मतलब टोटल तीन चार चीजें हो गई, तो एस पी थ्री, तो आई ओ थ्री माइनस इज आयोडीन अटैच टू डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, वन लोन पेयर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इट विल कैरी अ माइनस चार्ज थ्री टाइम्स आई प्लस थ्री, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों को कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन आई फोर ओ नाइन, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये जेई एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइस हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन आई फोर ओ नाइन, बताओ जरा आई फोर ओ नाइन में कितनी लोन पेयर्स है, टोटल लोन पेयर्स इन आई फोर ओ नाइन, टोटल लोन पेयर आराम से कैलकुलेट करना, आराम से टोटल लोन पेयर्स इन आई फोर ओ नाइन कितनी आएंगी बताओ। तो गाइस देखो ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर, एक दो तीन चार पांच
ये सात, 7 × 3 = 21। अगर तुम लोगों को 21 आंसर लग रहा है तो वो गलत है। 21 बाहर का आयोडीन, देखो गाइस इसके ऊपर +3 चार्ज है, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सात, सात में +3 चार्ज मतलब कितने बच गए, चार, तो पांच, सॉरी 23, 22, 23, समझा कुछ। 21 के बाद और दो ऐड हो गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन था 23, ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोन पेयर कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, आयोडीन विच इज मॉइस्ट +O3। नाउ गाइस विद मॉइस्ट आयोडीन, विद मॉइस्ट आयोडीन इट फॉर्म्स I2O5। अब I2O5 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो मैंने तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया था, कैसे बनाते हैं गाइस, आयोडीन आयोडीन, दो आयोडीन है, अब बीच में आएगा एक O, फिर बाद में डबल बॉन्ड हो, आर यू गेटिंग इट, ये याद है ना गाइज, ये हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं याद होगा तो बाद में आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर लोन पेयर्स ऑन आयोडीन, पहले मुझे लोन पेयर्स ऑन आयोडीन बताओ, लोन पेयर्स ऑन आयोडीन, यश करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है, समीक्षा करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखो आयोडीन के आउटर मोस्ट में रहते हैं पांच इलेक्ट्रॉन, तो सात इलेक्ट्रॉन, तो एक दो तीन चार पांच, पांच इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्डिंग में यूज कर दिए, तो नाउ इट कंटेन्स अ लोन पेयर, एक सिंगल लोन पेयर इसके पास। अरे कुछ समझ में आ रहा है, मैंने लोन पेयर कैसे फाइंड आउट की, आयोडीन के पास सात इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सात में से पांच इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो दो लोन पेयर बच गए, ठीक है। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर ऑन ऑक्सीजन, ऐसा क्वेश्चन आया तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, तो 10 लोन पेयर्स आर देयर, हाउ मेनी टोटल लोन पेयर्स आर देयर, 10 + 2 = 12, समझ में आया कुछ। देखो गाइस वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ ऐसे अलग से कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं थी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, बट ये दोनों जेई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी नीट में, नीट के सिलेबस में स्ट्रक्चर्स है, रिएक्शंस नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो स्ट्रक्चर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, एंड जेई स्टूडेंट्स के लिए रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एनसीईआरटी के बाहर की रिएक्शन भी, ठीक है। ओके, ऐसे में किसी को कुछ डाउट, ओके। अब गाइज एक लास्ट रिएक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, तो गाइज एक ही रिएक्शन है हम लोगों के सिलेबस में और ओजोनाइड एक ही बनता है सिर्फ, KOH + O3, इट फॉर्म्स KO3-, समझ में आ रहा है गाइस। पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देते हैं एंड ओजोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो K+O3-, पोटेशियम ओजोनाइड, ठीक है। तो पोटेशियम ओजोनाइड इसका नाम है, ओजोनाइड सब लोगों को मैंने पढ़ाए रहेंगे पहले कभी ना कभी, पोटेशियम ओजोनाइड, इट इज ऑरेंज इन कलर, I4O9 is yellow in color, ठीक है। अगेन जैसे मैं अभी येलो कलर बताना भूल गया था, तो कुछ ना कुछ किधर ना किधर कलर मेंशन करना भूल सकता हूँ मैं, तो इसलिए एटलीस्ट तुम लोग अच्छे से ये चेक करके रखना, क्या बोलते हैं NCERT, ठीक है। तो तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया तो रहेगी, ठीक है, आगे बढ़ेगा इस। What was yellow? I4O9 is yellow in color. Okay guys, चलो आगे बढ़ते हैं। Now last topic is ozone depletion.
ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिकम्पोज कैसे होता है? तो देखो गाइस, ओजोन डिकम्पोजिशन की रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप पहले लिख के दे रहा हूँ। तो O3 फर्स्ट डिकम्पोजेज इनटू ओ इनटू ओ O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देन दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद अनदर O3 टू गिव अस 2O2। समझ में आ रहा है कुछ? ओ विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट ओ प्लस O3 प्लस O3 2O3 गिविंग अस 3O2। दैट्स इट, दिस इज आवर रिएक्शन। इट इज क्वाइट सिंपल आई गेस। ठीक है, सो द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन is NO from jet exhaust. And prions मतलब fluorocarbons, prions from ACs, चलो AC ऐसे लिखते हैं, और refrigerators. ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख के दे दिया है। प्रियॉन्स मतलब क्लोरो फ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल C2CL2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन। ठीक है, समझ में आ रही है? अब गाइज, NO ओजोन डिप्लीशन कैसे इंक्रीज करते हैं? ओजोन डिप्लीशन का क्लोरो फ्लोरोकार्बन CFC करेक्ट बोल रहे हो, तो NO ये रिएक्शन को कैसे फास्ट करते हैं? देखो, NO प्लस O3 क्या बनेगा ये? हाँ, अभी यूज नहीं होता, ठीक है, बट पहले के जमाने में होता था। तो NO2 प्लस O2, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, लिख दो। आई गेस जहां तक मुझे याद है अभी भी क्लोरो फ्लोरोकार्बन ही यूज होते हैं, देखना पड़ेगा एसी सर्विसिंग के लिए आने के बाद, या फिर गैस भरते हो, अब चेक करना पड़ेगा उनके ऊपर, इसके ऊपर क्या लिखा है। जितना मुझे याद है लास्ट टाइम, नहीं याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, चलो ओके। तो ओजोन डिप्लीशन लिख दो, जेट एग्जॉस्ट में से जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है वो ओजोन के साथ कंबाइन होके NO2 प्लस O2 बनाता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। आगे बढ़ेगा इस, लिख के हो गया है? लिख रहे कुछ लोग, कंप्लीट दिस फास्ट, लिख के हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया लगता है, लिख के हो गया था, हो गया गाइस। ओके, तो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2O2। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज पेरोक्साइड H2O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नेक्स्ट स्ट्रिंग डालना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, नाउ इट्स प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर इट। सो गाइस, इन केस ऑफ प्रिपरेशन दो मेथड्स हैं। पहली मेथड लिख दो, लैब मेथड। तो व्हाट इज लैब मेथड? लैब मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हाँ, इट इज फोर्थ कंपाउंड, थैंक यू। सो दिस इज फोर्थ कंपाउंड, लैब मेथड। लैब मेथड इज सिंपली वी टेक बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी बेरियम पेरोक्साइड। देखो गाइस, बेरियम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर रहता है ऑक्सीजन का -1, यहाँ पे बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो दो ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन बनेगा -1।
दिस इज बेरियम पेरोक्साइड, ठीक है? बेरियम पेरोक्साइड इज रिएक्टेड विथ H2O, H2O के साथ रिएक्ट करके बनेगा H2O2 प्लस BaO, बेरियम ऑक्साइड बन गया एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। समझ में आ रहे तुम लोगों को? बेरियम ऑक्साइड, पहले हाइड्रोजन का ऑक्साइड था वाटर, जो कि अभी पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड मेथड इज इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। अब गाइस इंडस्ट्री में ये कैसे बनता है? इंडस्ट्रियल मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग यूज करते हैं, इस कंपाउंड का नाम कोई बता पाएगा? नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस इज एंथ्रासीन, तेरे गुड़ रसाने का। एंथ्रासीन के सेकेंड पोजीशन पे हम लोगों ने अटैच कर दिया C2H5, तो दिस इज 2-ethyl एंथ्रासीन। 2-ethyl एंथ्रासीन में मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया OH, तो ये बनता है एंथ्रासिनॉल, 2-ethyl एंथ्रासिनॉल। एंथ्रासिनॉल में मैंने यहाँ पे भी अटैच कर दिया OH, तो अब इसका नाम बनता है एंथ्राक्विनोन। देखो गाइस तुम लोगों को ये कंपाउंड पढ़ाया गया होगा, व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या रहता है? तो दिस इज फिनॉल। फिनॉल में पैरा पोजीशन पे अगर तुम लोगों ने और एक OH अटैच कर दिया तो इसे हम लोग बोलते हैं क्विनॉल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्विनॉल। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्विनॉल बना दिया है, आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे भी एक क्विनॉल बन गया है, तो दिस इज कॉल्ड एज 2-ethyl, 2-ethyl एंथ्रा क्विनॉल। समझ में आ रहा है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ? 2-ethyl एंथ्रा क्विनॉल। अब 2-ethyl एंथ्रा क्विनॉल इज रिएक्टेड विथ एयर ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, तो हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। दिस इज नथिंग बट एयर ऑक्सीजन, जो एयर में रहता है, बिकॉज इंडस्ट्री में हम लोगों को चीपेस्ट थिंग्स यूज करनी है, ठीक है। अब होता क्या है, एयर ऑक्सीजन एक्चुअली पहले बनता है रेडिकल, ठीक है, रेडिकल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन रेडिकल अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ पास करता है, तो OH का बनेगा डबल बॉन्ड O, फिर ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा एंड ये डबल बॉन्ड वापस नीचे के ऑक्सीजन पे, मतलब OH का हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है एंड इट इज रिएक्टेड विथ दिस अनदर ऑक्सीजन। अगेन मैकेनिज्म ओवर हियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे कि तुम लोगों को मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है, बट एक बेसिक आइडिया, जनरल आइडिया दे दी मैंने। अब हुआ क्या गाइस, एंथ्रासीन में सेकेंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है जिसको हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पोजीशन में इथाइल ग्रुप था जिसको हम लोगों ने टच नहीं किया, फर्स्ट एंड थर्ड रिंग उसे भी हम लोगों ने टच नहीं किया। सेकेंड रिंग में OH का हो गया डबल बॉन्ड O, ये जो दो बॉन्ड थे वो शिफ्ट होके सेकेंड पोजीशन पे आ गए एंड नीचे वाले OH का भी हो गया डबल बॉन्ड O। दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाएंगे H2O2। डाउट ये समझ में आ रहा है? अब गाइस इंडस्ट्री में हम लोगों को रिएक्टेंट बार बार यूज करने रहता है, तो ये एंथ्रासीन का मतलब एंथ्राक्विनॉल का अगर एंथ्राक्विनोन बन गया, दिस इज 2-ethyl एंथ्राक्विनोन, अभी कीटोन बन गया ना, तो दिस इज 2-ethyl एंथ्राक्विनोन। तो एंथ्राक्विनोन को वापस हम लोगों को एंथ्राक्विनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हाउ टू डू इट, तो ऐसे टाइम पे हम लोग वापस इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन, क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन, एंड टू ऐड हाइड्रोजन वी यूज निकल और एल्स पलाडियम प्लेटिनियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन वापस ऑक्सीजन में ऐड होगा एंड तुम लोगों को वापस क्विनॉल मिलेगा, उसको तुम लोग वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्विनोन में कन्वर्ट करोगे, तुम लोगों को पेरोक्साइड मिलेगा, तो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। तो तुम लोगों का बिगिनिंग का रिएक्टेंट ही बार बार रीयूटिलाइज होते रहेगा। एनी डाउट, ये समझ में आ रहे हैं? तो ये रिएक्शन इंडस्ट्री में चलते रहती है, ठीक है, ओके। एंड थर्ड रिएक्शन जो हम लोगों ने रिसेंट में ही पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी पे सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऐसे होता है, देखो H2SO4 dissociates into H plus and HSO4 minus, ये समझ में आ रहा है। अब गाइस कटायन जाता है कैथोड की तरफ, अनायन जाता है एनोड की तरफ। अभी के लिए मुझे एनोड की रिएक्शन चाहिए सिर्फ, तो मैं एनोड की रिएक्शन ही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे कि पूरी रिएक्शन पढ़ने वाले। तो अब एनोड पे गाइस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ। दिस इज ओ माइनस, माइनस मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो गाइस ये HSO4 माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड इट बिकम्स HSO4 रेडिकल, समझ में आया। नाउ गाइस ये रेडिकल बनने के बाद, रेडिकल इज क्वाइट अनस्टेबल, तो यहाँ पे हम लोगों को दो HSO4 माइनस लगते हैं, मतलब ये अपने आप दो रिएक्ट करते हैं, दो HSO4 माइनस हम लोगों को दो इलेक्ट्रॉन देंगे। आर यू गेटिंग इट? दोनों के पास रेडिकल है एंड इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक HSO4 माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो वैसे दो HSO4 माइनस ने दो इलेक्ट्रॉन दिए एंड दोनों रेडिकल्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करके बना दिया, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके बना दिया एक बॉन्ड, ठीक है। नाउ गाइस दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज, समझ में आ रहा है, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। तो दिस एसिड इज कॉल्ड एज पेरोक्सी, दो सल्फर है तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ गाइस पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड हैज अनदर नेम विच इज करेक्ट, बोल रहे हो महेश, मार्शल्स एसिड, इसका दूसरा नाम क्या रहता है, मार्शल्स एसिड, ठीक है। तो ये लिख दो महेश, यू आर फ्रॉम विच ब्रांच और एल्स यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट ओनली, मतलब कभी दिखे नहीं हो आप। ओके नेक्स्ट, HO S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O O O S डबल बॉन्ड O, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, डबल बॉन्ड O OH, इट इज रिएक्टेड विद वॉटर, ठीक है। देन पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टेड विद वॉटर, तो O के ऊपर माइनस चार्ज, सल्फर इज प्लस, एच इज प्लस, ओ एच इज माइनस, तो नेगेटिव ऑक्सीजन अटैक करेगा पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर, नेगेटिव ओ एच अटैक करेगा पॉजिटिव सल्फर के ऊपर, वॉट आई विल गेट, आई विल गेट ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच प्लस, ओ एच ने अटैक किया सल्फर के ऊपर, तो ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओ एच। Now guys, name of this acid is again peroxide linkage is there. So this is called as peroxy, peroxy monosulfuric acid, which is also called as, correct बोलते हो, बहुत लोगों ने नाम दिया, महेश सृष्टि यश करेक्ट आंसर है, peroxy monosulfuric acid दिया करेक्ट आंसर है, तनिषा करेक्ट आंसर है, also called as caro's acid, इसका दूसरा नाम क्या है, caro's acid, ठीक है। Now guys, then caro's acid also it is unstable. So caro's acid is further reacted with water. Plus HOH. Now guys, what will happen? Oxygen is negative, sulfur is positive, hydrogen is positive, oxygen is negative. So negative oxygen attacks on positive hydrogen. Negative OH attacks on positive sulfur. And we get HOOH plus sulfur ke upar OH attached ho gaya. So sulfur double bond O, double bond O and now sulfur is attached to OH which is sulfuric acid H2SO4. Ye reaction samajh mein aa rahi hai kya, dekho. Humne HOH se reaction kyun ki? Kyunki hum logon ko peroxide chahiye, hydrogen chahiye. To hum log water ke sath reaction kar rahe hain. Hum logon ko H2O2 chahiye. Theek hai? हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए था, ना कि पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ये रिएक्शन किया गाइज, ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी की थी, ठीक है।
चलो लिख दे इसे, कंप्लीट दिस फास्ट। चलो हो गया, लिख के हो जाए तो मैसेज सेंड करना डन करके। हाँ ओके, सो शुड वी मूव अहेड। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। इट्स प्रॉपर्टीज, नाउ इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, नंबर वन प्रॉपर्टी इज इट इज कलरलेस। इसकी एक पिक्यूलियर ऑर्डर रहती है, बट हम लोग ऑर्डरलेस बोलेंगे, ऑर्डरलेस लिक्विड। पॉइंट नंबर टू, स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोजेस। एंड इसके डिकम्पोजिशन की रिएक्शन कैसे होती है, 2H2O2 गिव्स अस 2H2O+O2। अब गाइस ये कितना ऑक्सीजन दे रहा है उससे हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ से, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। नाउ गाइस, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 इनटू मोलारिटी। दूसरा फॉर्मूला था 5.6 इनटू नॉर्मेलिटी। अब यूजुअली गाइस एग्जाम में तुम लोगों को परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया रहता है। क्या दिया रहता है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे मोलारिटी। मुझे बताओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से मोलारिटी कैसे निकालते हो? तो तुम लोग करते हो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन मोलार मास। मोलार मास किसका यूज करोगे? H2O2 का। तो बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट मोलारिटी नहीं दी होती, तुम लोगों को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया रहता है, तो पहले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से तुम लोग मोलारिटी निकालो, मोलारिटी को बाद में 11.2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं इसका एक आधा क्वेश्चन करके दिखा था। ये जो मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला पार्ट दिखाया वो फिजिकल केमिस्ट्री का, याद रखना इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनी डाउट? ओके, अब गाइस इसकी ये रिएक्शन, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो होनी नहीं चाहिए यूजुअली, तो टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन हम लोग क्या यूज करते हैं, इनहिबिटर यूज करते हैं। तो इनहिबिटर्स आर यूज, ठीक है, तो इनहिबिटर्स यूजुअली वी कैन यूज यूरिया, वी कैन ऑल्सो यूज डाइल्यूट एसिड, और वी कैन यूज इथाइलिन ग्लाइकॉल इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो लिख दो पॉइंट नंबर फोर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फोर इज इट कैन एक्ट एज, मुझे बताओ H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Point number two, H2O2 can act as reducing agent. Point number three, H2O2 can act as both reducing and oxidizing agent. Point number four cannot be determined. Therefore, it cannot act as oxidizing or reducing agent. Which one is true? कौन सा correct है? So C, H2O2 can act as both oxidizing as well as reducing agent. So can act as oxidizing agent as well as reducing agent.
ये दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो गाइस ये दोनों की तरह क्यों एक्ट कर सकते हैं? बिकॉज इन H2O2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2, बट वो रेयरली दिखती है. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वाली 0 रहती है, ऑक्सीजन 0 में स्टेबल रह सकते हैं. एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज -2. अब गाइज याद रखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जब रहती है किसी कंपाउंड की, तो इट कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, तो इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इफ इट इज मिनिमम, देन इट ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. बट इफ इट इज इंटरमीडिएट, देन इट कैन एक्ट एज बोथ, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ये याद है ना गाइज, ये मैंने तुम लोगों को बहुत पहले से पढ़ा के रखा है, होपफुली तुम लोगों को ये याद होगा. बताइए तुम लोगों को, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद इट्स ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस. अब गाइज जब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, इसका खुद का क्या होगा? H2O2 व्हेन इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it will itself undergoes, चलो जल्दी बताओ, रिडक्शन. वेरी नाइस. अब गाइस H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 से इसका रिडक्शन होके ये किस में जाएगा? -2 में ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म H2O. आर यू गेटिंग इट? अभी मैं बैलेंसिंग पढ़ाने वाला नहीं हूं, किस में कन्वर्जन होगा उतना ही हम लोग लिखने वाले हैं. तो व्हेन H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल अंडरगो रिडक्शन. ये -1 से -2 जाता है, इसका n फैक्टर आता है. n फैक्टर ऑफ H2O2 ओवर हियर इज, बताओ जल्दी, n फैक्टर ऑफ H2O2 ओवर हियर इज कौन बताएगा? n फैक्टर इज 2. वेरी नाइस सानिका, महेश करेक्ट आंसर है. तो गाइस एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बट मेरे पास दो ऑक्सीजन है, तो H2O2 का n फैक्टर रहता है 2, लिख के दिया था बहुत बार, ठीक है? तो What is the condition when it can act as both? अरे ये दोनों act कर ही सकता है, अभी हम लोग सिर्फ oxidizing reactions लिख रहे हैं, ठीक है? H2O2 can act as both oxidizing as well as reducing agent. तो पहले हम लोग oxidizing agent से फिर reaction देख रहे हैं. तो guys oxidation, अगर समझो तुम लोगों को Fe2+ का oxidation पूछा, ठीक है? तो Fe2+ on oxidation gives क्या देगा बताओ? Fe2+ on oxidation gives, जल्दी बताओ. Fe2+ देता है Fe3+. Very nice, correct बोल रहे हो. Now guys, SN2+, SN2+ on oxidation gives SN2+4+. Very nice. C2O4 2- on oxidation gives C2O4 2-. मतलब ये oxalate है, पता है ना? This is oxalate. Oxalate on oxidation gives, चलो भूल गया लगता है, CO2 देता है. ये क्या देगा? इट गिव्स CO2, ठीक है? PbS अगेन, ये सारी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? H2O2. इनकी बैलेंसिंग हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी थी? इनकी बैलेंसिंग हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ी थी, ठीक है? तो अभी मैं बैलेंसिंग नहीं करते बैठ रहा हूँ. तो PbS प्लस H2O2, ये याद रखना, इट गिव्स PbSO4, ठीक है? इट गिव्स PbSO4. राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट दिस. ओके, हो गया लिख के. ओके, तो गाइस चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट, इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन बेसिक मीडियम, ठीक है? इफ यू आर यूजिंग इट इन बेसिक मीडियम,
तो व्हाट हैपेंस, ठीक है, मतलब इसकी कुछ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो कि बेसिक मीडियम में हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडेशन कैसे करता है देखो, ओके, ऑल दीज वेर इन एसिडिक मीडियम, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, ठीक है, विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बेसिक मीडियम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बट तुम लोग भूल गए रहोगे। तो गाइस लेट्स अज्यूम यू हैव क्रोमियम प्लस 3, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद H2O2 इन बेसिक मीडियम OH- की प्रेजेंस में, व्हाट इट विल फॉर्म। तो गाइस Cr3+ बेसिक मीडियम में बनाता है CrO4-2 जिसका कलर रहता है येलो, कुछ याद है गाइस, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था ABCD, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट बनाता है डाइक्रोमेट, बेसिक मीडियम में बनता है क्रोमेट जो कि अभी हम लोगों ने बनाया CrO4-, एसिडिक मीडियम में बनता है डाइक्रोमेट। देखो ये सिंपल सिंपल ट्रिक्स ही तुम लोगों को एग्जाम में काम आएंगी, ऊपर की भी सारी रिएक्शन पढ़ाई थी, ये भी रिएक्शन तुम लोगों को पढ़ा के रखी है मैंने। सिमिलरली गाइज Mn2+ अगर मैं इसका H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करूं इन OH- तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म MnO4-2-, जिसका कलर रहता है ग्रीन, इसका कलर क्या रहता है ग्रीन। तो Mn2+ Mn6 में जा रहे हैं, Mn+6 में बेसिक मीडियम में मैंगनीज +6 दिखाता है, क्रोमियम भी बेसिक मीडियम में +6 ही दिखाता है, और इनके कलर्स भी पहले से लिख के रखे हैं हम लोगों ने, एक बार जरा अच्छे से रिवाइज करना। इस चैप्टर में तुम लोगों को क्या प्रोडक्ट बन सकता है इतना ही पूछा जाता है, तो उतना ही हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो गाइस दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो सेकेंड इज सिक्स, मतलब सिक्स पॉइंट इज इट्स रिड्यूसिंग रिएक्शन, इट्स रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो गाइस रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है इसकी देखते हैं चलो, तो रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखो रिडक्शन में H2O2 इसका खुद का क्या होगा, H2O2 का खुद का क्या होगा गाइस, इफ इट इज रिड्यूसिंग समथिंग देन इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, -1 से ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन का, -1 से ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा 0, समझ में आ रहा है। सो ऑक्सीजन इटसेल्फ इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, एन फैक्टर ओवर हियर -1 से 0 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो एन फैक्टर इज 1 × देयर आर 2 ऑक्सीजन, तो अगेन एन फैक्टर इज 2, करेक्ट बोल रहे हो गाइस, ये इतना समझ में आ रहा है। अब तुम लोगों को सिर्फ रिडक्शन करना है, तो लेट्स अज्यूम Fe3+ If Cr2O7 क्रोमेट इज गिवन, गाइस मुझे बताओ डाइक्रोमेट किसमें जाएगा, H2O2 के प्रेजेंस में, तुम लोगों को सिर्फ क्या बनेगा उतना सोचना है। चीजें करके रखो, ये तुम लोगों को इनऑर्गेनिक में बहुत काम करेंगे देंगे। तो यस समीक्षा करेक्ट आंसर है, इट विल अंडरगो क्रोमियम +3 में, एंड इसका कलर रहता है ग्रीन, ठीक है, इसका कलर रहता है ग्रीन। इसमें अगर तुम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हो तो तुम लोगों को मिलता है, मतलब अगर तुम लोगों ने एसिडिक मीडियम यूज किया तो तुम लोगों को मिलता है Cr2SO4⁺ क्रोमिक सल्फेट, ठीक है, या फिर Cr3 सल्फेट ऐसा मिलता है, याद है कुछ पढ़ाया था। चलो इसका आंसर तो तुम लोग दे ही दोगे, Mn यहाँ पे नीचे H+ लिखना, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की थी हम लोगों ने, ठीक है, तो इसका आंसर तो तुम लोग लिख ही सकते हो, MnO4
ओके आई थिंक माय इंटरनेट कनेक्शन गॉट डिसकनेक्टेड समहाउ. चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं. ओके सो बताओ गाइस, बेसिक एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट होता है? BAN 153. ठीक है प्लीज याद करके रख रहा. यस महेश करेक्ट बोल रहे हो, तो इट कन्वर्ट इनटू Mn2+. ठीक है प्लस 7 से ये एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाता है एंड ये Mn2+ बनता है. ठीक है तो Mn का कलर रहता है पर्पल, पर्पल से इट बिकम्स जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट. यस गाइस, आई डोंट नो, सम प्रॉब्लम इज देयर आई गेस, इट इज डिस्कनेक्टिंग. Hopefully it will not disconnect now. चलो देखते हैं. ओके सो MnO4 माइनस. ठीक है एम आई ऑडिबल? वेन इट इज रिएक्टेड विद H2O2 इन बेसिक मीडियम. ठीक है तो बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस जैसे ऊपर बनाया था गाइज, याद रखो बेसिक मीडियम में इट ऑलवेज फॉर्म्स MnO4-2. बेसिक मीडियम में ये ग्रीन कलर का मैंगनेट बनाता है, पर मैंगनेट ग्रीन कलर का मैंगनेट बनाता है. ये ऐसे ही कलर चेंज के क्वेश्चंस आते हैं एंड पहले से तुम लोगों को सारे मेन कलर चेंजेस लिख के दिए हैं मैंने. आर यू गेटिंग इट? ठीक है सेवेंथ रिएक्शन इज ओके गाइज, दिस जनरली डज नॉट हैपन. जस्ट अ मिनट लेट मी चेक माई इंटरनेट स्पीड, वॉट इज हैपनिंग. टूडेज डेट इज, मेरा इंटरनेट का रिचार्ज भी खत्म नहीं हुआ है फिर कुछ. अब देखते हैं एक बार क्रॉस चेक करके. जस्ट अ मिनट आई चेक माई इंटरनेट स्पीड. स्क्रीन इज विजिबल राइट? ओके स्क्रीन शेयर ऑन हो रहा है अभी तक. मन से आया बंद कर थोड़ा, नया बता लेते हैं. ओके गाइस एम आई ऑडिबल? यस गाइस एम आई ऑडिबल? ओके आई थिंक सम प्रॉब्लम वाज देयर. ओके होपफुली इट विल नॉट रिकर, होपफुली. आई डोंट नो. Okay, let me check my internet speed.
इट इज डाउन, इट इज लेस देन हाफ एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग सम प्रॉब्लम. ओके या इट इज रेनिंग मोस्ट प्रॉब्ली, दैट इज बिकॉज ऑफ, दैट इज द मेन रीजन. ना वी वोंट कैंसिल द लेक्चर, विल ट्राई टू कंटिन्यू द लेक्चर. इफ इट कीप्स ऑन हैपनिंग, मतलब इफ इट हैपेंस अगेन देन विल स्टॉप इट. ठीक है ओके. तो नाउ गाइस TiCl4, सॉरी Ti+4 ऑन रिएक्टिंग विद H2O2, इट फॉर्म्स H4TiO4. दिस इज नॉट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है अब what is happening over here, so this is called as titanic acid. ये JEE 2008 का question है actually, आके गया है. तो अगर मैं पूरी reaction लिखने जाऊँ तो TiCl4+H2O2 लिख दो, काम आएगी. It actually forms TiO2.2H2+4HCl. ठीक है तो ये TiO2.2H2 बनाता है, टाइटेनियम ऑक्साइड हाइड्रेट बनाता है एक्चुअली. ठीक है तो दिस इज द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड. ठीक है ओके. अब दिस इज फर्स्ट टेस्ट विच इज येलो इन कलर. ठीक है तो दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज टाइटेनिक एसिड, टाइटेनियम से टाइटेनिक एसिड, इट इज येलो इन कलर, इट इज येलो इन कलर. एंड गाइस सिमिलरली दिस इज फर्स्ट कंपाउंड. नाउ सेकेंड इज Cr2O7-2 when it is reacted with H2O2 directly. ठीक है तो सॉलिड स्टेट में aqueous medium के बिना अगर हम लोग इसको react कर रहे हैं without any medium, ठीक है तो इसमें oxidation reaction नहीं होती, इसमें दूसरी एक reaction होती है and it forms CrO5. Now tell me guys, what is the oxidation state of chromium over here? What is the oxidation state of chromium over here? Oxidation state of chromium, very nice Sanika, oxidation state of chromium over here is +6. What is its structure? Its compound ka structure, this is a green color compound. Okay, and maximum to +6 hi rehti hai, correct bol rahe ho. So guys, chromium forms a butterfly structure over here. ठीक है याद है जहां पे दो पेरोक्साइड लिंकेज रहती है, तो ये -2, ये -1, -1, -1, -1, -6 को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम रहता है +6. दिस इज अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड. ठीक है अगेन मेजर रिएक्शंस हो गई है पहले से, ये टाइटेनिक एसिड की एक इकलौती रिएक्शन है जो मैंने नहीं पढ़ाई है. लिख दो गाइस कंप्लीट दिस फास्ट, जल्दी सारी रिएक्शन लिख दो. नाउ गाइज विल स्टार्ट रिएक्शन ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर स्टार्ट करने वाले हम लोग. ठीक है सल्फर इट्स कंपाउंड, तो फिफ्थ कंपाउंड हम लोग देखने वाले अभी. चलो जल्दी लिखो. लिखे हो जाए तो बता देना मुझे. एक्चुअली थोड़ा सा सिलेबस लो जा रहा है बट ठीक है चलता है. सेवन लेक्चर्स एंड पी ब्लॉक विल बी फिनिश्ड. चलो हो गया लिख के.
ओके सो गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट इज सल्फर, ठीक है, कंपाउंड ऑफ सल्फर। सल्फर स्टार्ट करने वाले हम लोग पढ़ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ कंपाउंड इज सल्फर। ऑब्वियसली सल्फर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, सल्फर के एलोट्रॉप्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉम्बिक सल्फर। इसके ऐसे बड़े बड़े क्रिस्टल्स रहते हैं, ऐसे मोटे मोटे, ठीक है। सेकेंड वन इज बीटा सल्फर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके नीडल लाइक क्रिस्टल रहते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे नीडल्स बनते हैं इनके क्रिस्टलाइन फॉर्म में। थर्ड इज गामा सल्फर, जो कि हम लोगों के सिलेबस के बाहर गए। फोर्थ वन इज प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। फिफ्थ वन इज साइक्लो S6 स्ट्रक्चर। एक्चुअली S6 से लेके S20 तक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसमें हम लोग S6 स्टडी करने वाले हैं। एंड सिक्स्थ वन इज S2 गैस, सल्फर गैस, ठीक है। तो गैस अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, पहले हम लोग वो स्टडी करते हैं। तो देखो अल्फा सल्फर अगर हम लोग इसे 369 डिग्री के ऊपर हीट कर रहे हैं, कितने 369 केल्विन के एक्चुअली, ठीक है, तो ये देता है अपने को बीटा सल्फर, ठीक है। दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर गाइज, याद रखो ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज 369 केल्विन। मतलब 369 पे दोनों सल्फर एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा भी बीटा भी इक्विलिब्रियम रहते हैं। एंड अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे पहुंच गए, ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब अबव 369 केल्विन बीटा सल्फर, एंड इफ वी आर बिलो 369 केल्विन तो हम लोगों को मिलता है अल्फा सल्फर, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? अब गाइस इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है, सल्फर, तो दोनों के स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, दोनों क्राउन सल्फर बनाते हैं। कौन सा सल्फर? क्राउन सल्फर। क्राउन सल्फर कैसे देखेगा, ऐसे क्राउन जैसा। तो पहले एक डब्ल्यू बनाओ, फिर उसके अंदर और एक डब्ल्यू बनाओ, एंड दिस इज योर क्राउन सल्फर। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो अल्फा सल्फर में डब्ल्यू 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 अरेंजमेंट रहती है, बीटा में डब्ल्यू एम अरेंजमेंट रहती है। मैंने तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया होगा, ठीक है, तो बस इतना ही तुम लोग को डेटा याद रखना है। यप, ये बनाया था हम लोगों ने, करेक्ट बोल रहा हूँ। अब गाइस प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर इज नथिंग बट अमॉर्फस सल्फर, अमॉर्फस सल्फर। अमॉर्फस सल्फर कैसे बनता है, तो टू प्रिपेयर अमॉर्फस सल्फर व्हाट डू वी डू, तो मोल्टन सल्फर, मोल्टन सल्फर इज एडेड टू, is added to cold water, ठीक है। तो cold water में इसे add करने से ये हम लोगों को ऐसे plastic जैसे arrangement देता है, which is amorphous in nature. तो ये crystalline नहीं रहता, ये amorphous बन जाते हैं, ठीक है। Third one is cyclo S6, cyclo S6. तो cyclo S6 कैसे दिखेगा, तो देखो guys हम लोगों ने cyclic structure तो पहले से बना के रखे, बहुत बार बनाया हुआ ये, तो name of this structure is चेयर कन्फर्मेशन, पता होगा तुम लोगों को ये, ठीक है। एंड लास्ट इज S2 गैस, S2 गैस एग्जिस्ट अबव 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये एग्जिस्ट करती है। इट इज चेरी रेड इन कलर, चेरी रेड इन कलर, एंड इट इज
पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन, याद है ना, पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन, लास्ट लेक्चर में ही लिख के दिया था ये, ठीक है, तो राइट इट डाउन फास्ट, लिख दो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद SO2 गैस, ठीक है, मतलब सल्फर के कंपाउंड अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये जल्दी कंप्लीट करो लिख के, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. गैस, गैस का कलर, कलर मतलब कलर तो हम लोगों को दिखेगा ही ना, ऑब्वियस है, 1000 degrees के ऊपर इस कलर कैसे देखा, तो ऑब्वियसली कलर गैस का तो दिखने ही वाला है, तुम लोग गैस को कितना भी हीट कर लो कलर है तो दिखेगा. ये मेटल नहीं है कि हाई टेम्परेचर पे ये ऐसे ग्लो करना स्टार्ट करे, रेडिश बन जाए. तुम लोगों के दिमाग में आएगा इस मेटल आ रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ नहीं. चलो गाइस लिख के हो गया. अभी एक और एक कंपाउंड करेंगे एंड फिर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, ठीक है, ज्यादा भी नहीं सजाता तुम लोगों को मैं आज, SO2 गैस एंड फिर आज मैं तुम लोगों को जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है. शुड वी स्टार्ट गाइस, SO2 शुरू किया जाए. ओके, तो चलो अभी मतलब कोई भी लेफ्ट नहीं होगा, आज सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो इसलिए कोई लेफ्ट नहीं होगा, एक लास्ट कंपाउंड फिर तुम लोगों को मैं आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, सो दैट सब लोग एंड तक टिके रहे, कोई भी लेफ्ट ना करे मीटिंग, ठीक है. ओके, सो सिक्स्थ कंपाउंड इज सल्फर डाइऑक्साइड. तो सिक्स्थ कंपाउंड इज सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2 गैस गाइस, ठीक है. नाउ SO2, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, सिंपल है गाइस, सल्फर लो ऑक्सीजन के साथ हीट करो, इट विल गिव अस SO2. जिंक सल्फाइड लो ऑक्सीजन के साथ रीहीट करो, इट विल गिव अस ZnS प्लस SO2, ठीक है. नाउ दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड, FeS2 लो, FeS2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, FeS2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइज दिस इज माइनस वन, देखो ओवर हियर FeS प्लस टू, सल्फर इज माइनस वन, तो दिस इज कॉल्ड एज फेरस डाइसल्फाइड, सल्फाइड. गाइस याद रखो डाइसल्फाइड ट्राइसल्फाइड, ये हम लोगों ने पहले भी कैटेगरी देखी होगी, एस एस माइनस वन माइनस वन, दिस इज डाइसल्फाइड, एस 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 माइनस वन माइनस वन, दिस इज कॉल्ड एस ट्राइसल्फाइड, टेट्रासल्फाइड, पेंटासल्फाइड, ऑक्टासल्फाइड, ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं. याद रखना सल्फर में ये एक यूनिक प्रॉपर्टी रहती है, डाइसल्फाइड, टेट्रासल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज फेरस डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड. सल्फाइड के ऊपर हमेशा माइनस टू चार्ज रहता है, मतलब एक माइनस वन ऐसा, ठीक है. दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद O2, ठीक है, तो इट विल फॉर्म FeO प्लस SO2. रिएक्शन बैलेंसिंग में तुम के ऊपर छोड़ दू चलेगा. वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो तुम लोग अभी गलत आंसर दे सकते हो, Cu प्लस CuSO4, H2SO4 गिव्स, क्या मिलेगा बताओ, कॉपर प्लस H2SO4 क्या मिलेगा, जल्दी बताओ. पूरी रिएक्शन बतानी है तुम लोगों को, बताओ. हाँ तो गाइस तुम लोगों को ऐसे लगेगा, तुम लोगों ने ऐसे बहुत बार रिएक्शंस किए कि इट विल गिव अस CuSO4 प्लस H2, ठीक है,
बट दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग. ये तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम लोगों की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी? ली ना ने, मांगीकार, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी, कुछ याद है? तो तभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन के नीचे वाले कभी भी H2 नहीं बना सकते हैं. कुछ याद है गाइस? कॉपर ये तभी लिखा के भी दिया था, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोल के रखा है क्योंकि तुम लोग यही सिंपल मिस्टेक करके आते हो. कॉपर कभी भी हाइड्रोजन का रिडक्शन मतलब H+ का रिडक्शन H2 में नहीं कर सकता, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत सीरियसली स्टडी करनी है इसके लिए. ठीक है, और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. तो कॉपर व्हेन रिएक्टेड विद H2SO4 कॉन्क H2SO4 एक्चुअली, तो इट फॉर्म्स टीबी. टीबी नहीं, टर्बियम क्यों हम लोग स्टडी करेंगे, टीबी नहीं आएगा बीच में. TuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O. गाइस दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. देखो कॉपर यहाँ पे 0 से प्लस 2 में चला गया, सल्फर यहाँ पे प्लस 6 से प्लस 4 में चला गया. मेरे ख्याल से 2H2SO4 से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. अगर नहीं हो रही है तो बाकी तुम लोगों का काम है बैलेंस करना, तो तुम लोग देख लेना चलेगा. ओके, यहाँ पे 2H2 लिख दो. आई गेस नाउ इट दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. गाइस इस रिएक्शन के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया. देखो मैं बिल्कुल रश नहीं कर रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ. ठीक है, तो इज इट क्लियर? इस रिएक्शन के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया. नेक्स्ट, इट्स प्रॉपर्टीज. तो इट इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस, सॉरी इट इज अ कलरलेस रॉटन एग स्मेल्ड गैस. ठीक है, इट इज अ कलरलेस. सल्फर के सारे कंपाउंड फाउल स्मेलिंग ही रहते हैं, फाउल स्मेलिंग या फिर और बर्निंग सल्फर स्मेलिंग, बर्निंग सल्फर स्मेलिंग गैस. ठीक है, ऑब्वियसली सल्फर का ही ऑक्साइड है तो बर्निंग सल्फर जैसे स्मेल आएगी, तो बर्निंग सल्फर स्मेलिंग गैस. बर्निंग सल्फर मतलब क्या? तो तुम लोगों ने बहुत सी बार गटर के नाली का स्मेल देखा होगा. ठीक है, तो जो हम लोगों को वहां से जैसे स्मेल आती है उसमें भी सल्फर के SO2 गैस रहती है, उसकी स्मेल वो वैसे वाली स्मेल रहती है. ठीक है, तो और कुछ नहीं. पॉइंट नंबर 2, इट्स स्ट्रक्चर. देखो स्ट्रक्चर इसका कैसे आएगा, एस व्हाट इज हैपनिंग, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड अ लोन पेयर ओ भैया, समझ में आ रहा है? तो दिस इज ए स्ट्रक्चर. तुम लोगों को ये तो एकदम सिंपल है, ये तुम लोगों को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत लग रही नहीं है. डाउट नाउ गाइस इट्स रिएक्शन. ठीक है, इसकी रिएक्शन सिंपल सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा कुछ बड़ी रिएक्शन नहीं है. तो इट्स रिएक्शन, तो देखो SO2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म SO2 Cl2.
ओके गाइस, पता नहीं वाईफाई में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है. सो नाउ राइट नाउ आई एम यूजिंग माय मोबाइल डेटा. खत्म कर देते हैं टॉपिक, ठीक है? तो नेक्स्ट, इट्स हाइड्रेशन. ठीक है, तो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, अबे यार, तो हाइड्रेशन ऑफ एसओ टू, फोर्थ वन. अच्छा, कुछ दिन खराब जा रहा है लगता है हम लोगों का. अच्छा नहीं, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज नॉट राइटिंग एट ऑल. वेट अ मिनट, ओके ठीक है. तो फोर्थ रिएक्शन, इट्स हाइड्रेशन रिएक्शन. तो गाइस, SO2 प्लस H2O, H2SO3. नेम ऑफ दिस एसिड इज सल्फ्यूरस एसिड. रिक एसिड तुम लोगों को पता है, ऑक्सीजन कम होने के बाद रिक बन जाता है रस. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. नाउ इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. SO2 can act as oxidizing agent and reducing agent both. ठीक है, क्यों? बिकॉज अगेन इसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर रहता है. सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +6. ठीक है, तो देखो इसकी रिडक्शन रिएक्शन. पहले हम लोग रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं अभी. ठीक है, तो सॉरी, पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग ही देख लेते हैं. ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस. नाउ गाइस, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हाट विल हैपन, इसका खुद का क्या होगा, इसका खुद का रिडक्शन होगा. तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले रिसेंट में अभी देखी है, H2S plus SO2. इट गिव्स अस H2O plus 2 टाइम्स सल्फर. यार ये रिएक्शन, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स सल्फर. एंड द सल्फर फॉर्मड ओवर हियर इज कोलॉइडल सल्फर. सल्फर फॉर्मड ओवर हियर इज कोलॉइडल सल्फर. हम लोगों ने क्वालिटी प्रॉपर्टीज में रिएक्शन देखी थी. तो गाइस, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर था -2 एंड यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +4. ये बन गए 0. तो +4 से 0 जाना मतलब इसका हो गया रिडक्शन. +4 से 0 इट इज अंडर गोइंग रिडक्शन एंड -2 से 0 इट इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन. एनी डाउट? ये समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? देखो गाइस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर. नेक्स्ट इज इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग रिएक्शन. रिड्यूसिंग रिएक्शन. अब रिडक्शन अगर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का होगा ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होके ये माइनस +4 से +6 में जाएगा. तो देखो एकदम सिंपल रिएक्शन, Cl2 प्लस H2O प्लस SO2. अब गाइस, Cl 0 से रिड्यूस होके चला जाएगा HCl में. समझ में आ रहा है? -1 में कितने से बनेंगे? 2. प्लस सल्फर +4 से ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा H2SO4 में. मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 H2O एंड दिस रिएक्शन विल बिकम बैलेंस्ड. एनी डाउट? लाइकवाइज गाइस, KiO3 पोटेशियम क्लोरेट विच इज प्रेजेंट इन +5 plus H2O plus SO2, it will give us I2. ये +5 से चला गया 0 में. अभी मैं बैलेंसिंग नहीं करते बैठने वाला हूँ. सल्फर चला जाएगा H2SO4 में. बाकी बैलेंसिंग तुम लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, तुम लोग ये आराम से कर लोगे. ठीक है गाइस, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. एंड विद दिस वी कैन स्टॉप OEM. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड विल स्टार्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड उसके बाद बचेगा ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर. देन दिस चैप्टर विल बी ओवर. ठीक है, तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. फिर ग्रुप 16 खत्म होगा. ग्रुप 16 के बाद विल स्टार्ट विद ग्रुप 17 एंड 18. टू मोर लेक्चर एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर. ठीक है, सो विद दिस विल स्टॉप. ओ यम, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू.